जिस प्रकार सूर्य की सुनहरी किरणें संसार के अंधकार को दूर करती हैं, उसी प्रकार जीवन में फैला अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है शिक्षा की ज्योति से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ज्ञान का एक ऐसा दीप है जिसकी ज्योति सुविधा वंचित क्षेत्रों में चगमगा रही और अशिक्षा के अंधकार और अभिशाप को मिटा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है आयु, क्षेत्र, धर्म और लिंग पर विचार किए बिना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा पाने के इच्छुक सभी लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा उनके द्वार पर उपलब्ध करा के शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना। विश्वविद्यालय का शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों के दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाएं। दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाने से तात्पर्य ये है कि उन विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं जो अनेक कारणों से पारंपरिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों का जब हम आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि देश के पिछड़े इलाकों में, उत्तर पूर्व में, वंचित समाज के लोग, शोषित वर्ग के लोग, महिलाएं पारंपरिक शिक्षा की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपनी क्षमताओं के कारण, अपनी संरचना के कारण और अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति के कारण ऐसे विद्यार्थियों तक पहुँच बनाने में सफल होता है। समाज के सुविधाहीन, शिक्षा से वंचित एवं कमजोर वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए इग्नू अपने 67 क्षेत्रीय केंद्रों व लगभग 3000 से अधिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से प्रयासरत है। इसी के तहत इग्नू अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क स्नातक स्तर की शिक्षा उनकी दहलीज पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। मेरा नाम माधवी है। इग्नू के द्वारा मैंने जे जोन लेकर अपन पढ़े की इच्छा रखते हैं, बाकी से अपन पढ़ाई 10वीं के बाद या 11वीं के बाद पूरा नहीं कर पाते हैं, इग्नू योजना के माध्यम से वो वही नहीं पूरा कर सकते हैं। इसी प्रयास को मूर्त रूप देने के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ समय समय पर कार्यशालाओं एवं प्रचार प्रसार अभियानों का आयोजन करता रहता है। इसी दिशा में बलरामपुर जनपद के थारू जनजाति बाहुल क्षेत्रों में प्रचार अभियान एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है कि जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, अगर उनमें इच्छा शक्ति है, वो शिक्षित होना चाहते हैं, तो उनके द्वार पे हम लोग उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। और शिक्षा देने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसे समुदाय जो शिक्षा से वंचित है, उसे शिक्षा के माध्यम से जो विकास की मुख्य धारा है उसमें जोड़ा जा सके। तो शिक्षा मतलब आपसे हम लोग कोई फीस नहीं लेंगे। एक 6 महीने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करने के बाद हमारे विश्वविद्यालय से बीए, बीकॉम, बीएससी को किया जा सकता है। और तरीका वही होगा, किताबें आपको मिलेंगी, आप घर पे बैठ करके पढ़िए। और अगर आप बलरामपुर नहीं आ सकते हैं तो आपको यहाँ पे टीचर्स जैसे आज हम लोग आए हैं ऐसे ही आके आपको पढ़ाएंगे। किताब भी हम आपको देंगे, आपकी क्लास भी हम लोग यहाँ करवाएंगे और आपको बस परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित थारू जनजाति भारत की एक आदिम जनजाति है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बलरामपुर जनपद का थारू जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में दूसरा स्थान है। यह जनजाति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी है और शिक्षा से वंचित है। घने जंगलों एवं दुर्गम स्थानों पर निवास करने के कारण इन्हें उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी यहाँ की दिक्कत यह है कि यहाँ की असुविधा है। 6-7 किलोमीटर जंगल पर जाएंगे, सरकार से दूर हैं, समाज से दूर हैं, इतने इनका संपर्क कांटेक्ट नहीं बना। भारत सरकार योजनाएं चला रही हैं लेकिन यहाँ तक सूचना ही नहीं मिला। यहाँ की आय कोई नहीं है तो क्या करते हैं, बच्चे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई बच्चों की रुक जाती है। समाज के इस सुविधाहीन एवं शिक्षा से वंचित समुदाय तक शिक्षा उपलब्ध कराने व भारत सरकार के अभियानों का लाभ इस समुदाय तक पहुँचाने के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की टीम ने शिक्षा से सर्वोच्चता नामक अभियान चलाया। इस अभियान का शुभारंभ तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर से किया गया, जहाँ श्रद्धालुओं को इग्नू के विषय में अवगत कराया गया। यह मंदिर हिंदुओं का सदियों पुराना मंदिर है तथा थारू जनजाति के लोग विशेष रूप से यहाँ नवरात्रि में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं।
यह मंदिर थारू जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। मंदिर प्रशासन ने इग्नू के अभियान की सराहना की एवं थारू जनजाति के विकास हेतु इग्नू को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आप लोगों का बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे बच्चों के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ेगा पढ़ाई का। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को आगे भी और बड़े पैमाने पर चलाते रहें। इस कार्यक्रम के बाद इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की टीम ने बलरामपुर बढ़नी सड़क मार्ग पर पचपेड़वा ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरीहवा ग्राम में एक उच्च शिक्षा प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया। यह ग्राम भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है और चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस गाँव में पहुँचने के लिए एक पहाड़ी झील पार करके लगभग 4 किलोमीटर वन में पैदल चलना पड़ता है। नरीहवा ग्रामवासियों ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझा और इग्नू द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क स्नातक कार्यक्रम में रुचि दिखाई। इस कार्यक्रम के बाद बिष्णुपुर विश्रामपुर ग्राम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ व थारू विकास समिति ने एक जागरूकता कार्यशाला व खेलकूद एवं मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दद्दन मिश्र माननीय सांसद श्रावस्ती ने की। मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी भारत सरकार द्वारा संचालित इग्नू प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इंटरमीडिएट पास बच्चों को स्नातक प्रवेश हेतु आयोजित इस जागरूकता शिविर में इग्नू इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। जो इंटरमीडिएट जो पास कर चुके हैं बच्चे, उनको इस योजना के तहत स्नातक में प्रवेश दिलाएं, निःशुल्क प्रवेश दिलाएं और स्नातक का निःशुल्क शिक्षण दिया जाएगा और स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक और उनके सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इन कार्यक्रमों में तराई एनवायरमेंट अवेयरनेस समिति, दीनदयाल शोध संस्थान बलरामपुर व सेव द चिल्ड्रन जैसी विश्व स्तरीय संस्थाओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मीडिया सहयोग प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन एक दूरगामी प्रक्रिया है जिसमें परिवार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं के समेकित प्रयास से अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। इग्नू एक शैक्षणिक संस्था के रूप में सभी के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकारात्मक परिवर्तन लाने का सार्थक प्रयास कर रहा है।